पॉजिटिविटी रेट भी वही है, जैसे ही 0.5 पहुंचता है तो हमारी रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट होंगी। 0.5, 1% एंड 2% दे आर द मेजर लैंडमार्क्स, तो उसके हिसाब से हमने पहले ही सबको डिक्लेयर किया हुआ है कि कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन। ओमिक्रॉन के लिहाज से क्या और सख्ती करने की जरूरत है? बाजारों में भीड़ है, लोग मास्क देखो पहन सख्ती रहे तो मैंने हैं। बताया सबके लिए, ओमिक्रॉन भी कोरोना है बाकी कोरोना भी कोरोना है, तो किसी भी तरह के कोरोना से बचने का जब रास्ता एक ही है, रास्ता वही है कि आप मास्क लगाइएगा पब्लिक में जाते हैं, तो सब लोग मास्क लगाएंगे तो ओमिक्रॉन से भी बचेंगे और किसी भी तरह के कोरोना से बचेंगे। So you have said that we have a graded response action plan now, but many states like Karnataka, who already they are taking precautions when it comes to entry into malls, shopping complexes, marketplaces. So नहीं ये तो सब जगह, के लिए जरूरी देखिए सब जगह मास्क भी कंपलसरी है ना, मास्क के लिए वैक्सीनेशन ऑल्सो। देखिए वैक्सीनेशन दिल्ली के अंदर फर्स्ट डोज 93% से भी ज्यादा लोग लगवा चुके हैं, सेकेंड डोज 60% क्रॉस कर चुकी है। एक तो ये आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे जिसकी भी सेकेंड डोज ड्यू हो रही है वो तुरंत लगवा ले। पिछले कुछ दिनों से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन लगवा रहे हैं, परंतु कुछ लोगों का जो सेकेंड डोज है वो ड्यू 84 डेज के बाद होती है, पर जिस दिन ड्यू होती है उस दिन लगवा लें। तो अगर उसी दिन लगवा लेंगे तो जल्द से जल्द ये हमारी जो वैक्सीनेशन है इसको हम जल्द से जल्द 100% के लिए ले जा सकते हैं। सर, इज इट फेयर टू से दैट अनलेस वी रीच 0.5% एज पॉजिटिविटी रेट, नो न्यू रेस्ट्रिक्शंस विल कम इनटू दिल्ली? नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा कि आपने कहा कि लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसके लिए हमने पहले से क्राइटेरिया बना रखे हैं, परंतु उस तक पहुंचे क्यों, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग उसको पहले ही रोकने की पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखो सारा जो है जनता के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जो सेकेंड वेव जो दिल्ली में फोर्थ थी, देश में सेकेंड वेव थी, फटीक आ गया था लोगों को, एक साल तक लोगों को लगने लगा था कि भाई अब तो छोड़ दो सब कुछ। अब मुझे लगता है दोबारा से फटीक बिल्ट इन कर रहा है, तो उस फटीक को कोई बात नहीं 3-4 महीने और लगाइएगा। घर से बाहर निकले, घर के अंदर हम नहीं कह रहे हैं, घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाइएगा, मास्क बिल्कुल 100% लगाइएगा। अगर मास्क लगाएंगे तो मुझे लगता है इससे हम बच सकते हैं।